हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, IAS क्लास 6 का चैप्टर नंबर हमारा 4th है और पार्ट नंबर हमारा कौन सा है बेटा, पार्ट नंबर हमारा 3rd है। इससे पहले की जो कहानी जो मैंने बताई है आपको पार्ट 1 और पार्ट 2 में जितनी समझाई वो तो आपको समझ में आ ही गई होगी। चलो इससे आगे की स्टोरी मैं आपको बताती हूँ क्या हुआ उस कहानी में, ठीक है। यहाँ तक तो मैंने आपको पहले बता ही दिया था, ठीक है। स्त्री ने चूल्हे में कंडा लगाते हुए कहा, कंडा जो होता है आपको पता ना, गाय भैंस का जो गोबर होता है उसको क्या करते हैं, उसकी क्या गोल ऐसे गोल टाइप में उसको बनाते हैं और फिर सुखाते हैं, उसको क्या बोलते हैं, कंडा। उसे आपने देखा ना गांव में, वो यूज़ भी होता है चूल्हे में, जिसमें चूल्हे में डाल के उसके क्या करते हैं, लकड़ी और चूल्हे में कंडे का प्रयोग करके क्या बनाया जाता है, खाना बनाया जाता है, आग जलाते हैं फिर खाना बनाते हैं। संतान भी तभी अच्छी लगती है जब 4 पैसे हों। किसने कहा? इसकी माँ ने कहा कि स्त्री ने चूल्हे में कंडा लगाते हुए कहा, संतान भी तभी अच्छी लगती है जब 4 पैसे हो। पर डूगर ने जैसे कुछ सुना ही नहीं, वह लड़की का हाथ पकड़कर हुक्का थामे बाहर नीम की छाया में जा बैठा। ये चीज़ किसने कही थी, उसकी माँ ने कहा था, संतान तभी अच्छी लगती है जब हाथ में क्या हो, 4 पैसे हो, ठीक है। आधी रात को गरजती हुई ऐसी घटा उठी कि मानो परले आ जाएगी। मतलब कि आपने देखा ना, जब बिजली कड़कड़ाती है और बादल भी काले काले हो जाते तो आपको क्या लगता है, प्रलय आने वाली है, मतलब भोर घनघोर क्या होने वाली है, बारिश होने वाली है। तो ऐसी घटा उठ गई थी जैसे कि प्रलय आने वाली है। छप्पर चूने लगा, डूगर ने दो खाटे जोड़कर बांध दी। बेटा ये गलत है, यहाँ पे गांठ होनी चाहिए, गांठ जोड़कर बांध दी और ऊपर से फटे कूदड़ डालकर रंचो को सुला दिया। ये बोला गया जो आपने देखा ना, ऊन का जो होता है, ऊन के जो छोटे छोटे पीसेस होते हैं उनको क्या डालकर, फटे पुराने कूदड़ डालकर रंजो को क्या कर दिया, उसके ऊपर सुला दिया। पर यह क्या, जमी से मानो सोते फूटे पड़े थे, देखते ही देखते सारे घर में पानी भर गया और फिर ओलों की मार ने तो छप्पर का तिनका बेद डाला। मतलब इसमें कहा गया है जो, तो पहले तो छप्पर में से क्या चूरा था, पानी चूरा था, उसके बाद क्या कहा गया, छप्पर से पानी चूरा था, तो क्या जो ये जो था डूगर ने, उसने जैसे तैसे अपनी रज्जों के लिए क्या कर लिया, एक सोने का स्थान कर लिया। फिर जब ओलों की बरसात हुई तो ओलों की बरसात से लग रही थी जैसे वो तो मार ही डालेगी, और जो उनका छप्पर था ओले के, आपने देखे ना वाइट वाइट से बर्फ से गोले गिरते हैं आसमान से जब तेज तगड़ी बारिश होती है, तो उसने ना जब वो गोले बर्फ के गोले जब छप्पर पे पड़े तो उसने क्या कर दिया, जो छप्पर था ना उसका तिनका बेड़ डाला, मतलब कि तोड़ डाला। वह दोनों राम राम भजने लगे। बेटा ये भी शब्द गलत है, राम राम जपने लगे ऐसा होगा, यहाँ पे गलत सेंटेंस लिख रखा है, ठीक है, तो आप उसको ठीक कर लेना। राम राम जपने लगे, रंजो मारे डर के चीखने लगी। आपने देखा ना, जब बिजली कड़कड़ाने लग जाती है, अंधेरा छा जाता है, आवाज़ें आने लग जाती है, तो अच्छे खासे इंसान को भी डर लग जाता है। वो तो बच्ची थी इसलिए वो क्या करने लगी, डरने लगी और चीखने लगी। दिया बुझ गया, हवाओं की तेज रुख ने क्या कर दिया, दिया को बुझा दिया। हाँ, हाथ को हाथ नहीं सूझता था, तब करे तो क्या करे, वो क्या सोचने लगे, अब करे तो क्या करे। जैसे तैसे रात कटी, मतलब जैसे तैसे इस आंधी में, इतनी बारिश में, जैसे तैसे उनकी रात कट गई। दिन निकलने पर वर्षा का वेग कुछ कम हुआ। जब सुबह हुई तो रात की तरह बारिश इतनी नहीं थी, पर उस टाइम भी बारिश हो रही थी। पति पत्नी ने एक दूसरे की ओर देखकर कहा, इससे तो अच्छा होता कि दीवारें भी गिर पड़ती। किसने कहा, पति पत्नी ने एक दूसरे की ओर देखते हुए कहा, इतना सब कुछ हो गया, इससे तो अच्छा होता कि दीवारें भी गिर पड़ती हैं और हम तीनों यही दबकर रह जाते। कौन कहने लगा, पति पत्नी एक दूसरे को देख के बोलते हैं कि काश दीवार भी गिर जाती और दीवार के गिरते ही साथ ही हम उसमें दब जाते और दबे रह जाते। आपने भी सोचा ना, जब कोई बुरा समय चल रहा होता तो आप भी क्या सोचते हो नुकसान के बारे में, मतलब कि आपकी थिंकिंग क्या होती है, गलत हो जाती है। ऐसी उनकी भी सोच क्या हो रही थी, गलत हो रही थी कि ऐसा हो जाता, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कह रही है वो, पति पत्नी दोनों क्या कह रहे हैं एक दूसरे से, कि दीवार भी गिर जाती और हम उसके नीचे दबके रह जाते। घर गृहस्थी सभी तो उजड़ गई।
अब इतनी बारिश तेज पड़ी कि उसने छप्पर भी को तोड़ डाला, घर में जो पानी, जो घर की जो छत थी उसे पानी टपकने लगा, मतलब कि सब तहस नहस कर दिया। तो हस्बैंड वाइफ मतलब पति पत्नी कहते हैं, इतना तो सब कुछ उजड़ गया, घर गृहस्थी भी उजड़ गई। भगवान अभागों को मौत भी नहीं देता। वो क्या कहने लगे कि भगवान ऐसे लोग, हम जैसे, मतलब कि वो खुद के बारे में बोलते हैं, हम लोग अभागों को भी क्या नहीं देता, मौत नहीं देता। रज्जो खाट पर बैठी 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 सब देख रही थी। रज्जो क्या कर रही थी, अब बच्चे तो छोटे होते हैं तो बच्चों तो इतनी पेरेंट्स की हेल्प नहीं कर पाते, इसलिए बच्चों क्या थी, एक साइड वो खाट के ऊपर बैठी थी और सब कुछ देख रही थी। जैसे घर में गंगा माई ही प्रकट हो गई हो। अब देख लो, जब आपने देखा भी होगा, गांव में जब देखा होगा बारिश आ जाती है तो बाढ़े आने लग जाती हैं, पानी की उससे जैसे बाढ़े आने लग जाती है ना, से पक्के घर तो नहीं छूते पर जो टूटे फूटे होते हैं, घास फूस से बने होते हैं, घास फूस से आंधी भी हर को भी नहीं रोक पाती, तो वो पानी को कैसे रोकेगी। तो जैसे धीमे धीमे पानी टपकता गया, छतों में से बारिश होती रही, छतों में से टपकता रहा, तो उसको क्या लगा कि क्या हो गई, जैसे यहाँ पे तो गंगा माई प्रकट हो गई, मतलब आ गई हो, चारों ओर जल ही जल दिख रहा था, चारों तरफ क्या दिख रहा था, जल ही जल, मतलब कि पानी का पानी, बारिश का पानी ही दिख रहा था, छप्पर का फूस छितरा पड़ा था। घर गृहस्थी की चीजें कच्च मच्छ की भांति पानी पर तैर रही थी, जैसे कि हल्की हल्की जो चीजें होती है पानी में क्या कर रही थी, तैर रही थी। ठीक है, इसी बीच रज्जो चीख पड़ी। इसी बीच क्या, इतना सब कुछ देखते हुए रज्जो क्या करने लगी, चीखने लगी, हाय अम्मा, राब की मटकी, सचमुच मटकी फूट कर खंड खंड हो गई थी, राब का निशान भी बाकी ना बचा था। वह तीनों आंखें फाड़ कर उसकी और देखने लगे। जो रज्जो थी उसको क्या पसंद था, राब पसंद थी। उसने आपको बताया, अभी मैंने जब लास्ट स्टोरी बताई थी, तो रज्जो ने क्या करा था, राब की मटकी से एक उंगली निकाल के उसके चाटा था, उसको वो पसंद आ गई थी। ना ही वो मटकी बेच पाए थे शहर में, तो ले ही जा ही नहीं पाए थे वो, जो उसने अपने गांव में बेची तो वहां उसके दाम कम मिले थे, तो वो वहां पे भी नहीं बेच पाई थी, तो उसने वहां वो मटकी ला के अपने घर में ही रख ली थी। इतनी बारिश होने के बाद तो उनका घर वैसे तहस नहस हो गया था, घर गृहस्थी भी बिखर गई थी। तो जो होती है रज्जो, उसके दिमाग में एकदम से बात आती है कि मम्मी माँ सॉरी अम्मा, राब की मटकी, तो सचमुच मटकी फूट कर खंड खंड हो गई थी, मतलब कि फूट गई थी और क्या हो गई थी, इतर बितर, मतलब कि इधर उधर फैल गई थी, राब का निशान भी बाकी ना बचा था। अब जब कोई चीज टूट जाएगी, फैल जाएगी और पानी उसको बहा के ले जाएगा, तो वो कुछ तो नजर आएगी नहीं। तो इसी प्रकार इसमें बताया गया है, चारों तरफ क्या होगा था, चारों तरफ जो राब थी उसकी कोई भी निशानी नहीं बची थी। तीनों के तीनों क्या कर रहे थे, आंख फाड़कर एक दूसरे को देखने लगे थे। तो बेटा ये हमारी स्टोरी थी, इसमें बहुत सारी चीज़ों का क्या क्या करा गया, बताया गया है, लोग बच्चे कैसे जिद करते हैं। अगर पेरेंट्स की स्थिति खराब हो तो बच्चे उस स्थिति को समझते नहीं, अपनी जिद पकड़ के बैठ जाते हैं। जैसे इस कहानी में रज्जो ने ओढ़नी को लेकर बैठ गई थी, मतलब कि ओढ़नी चाहिए चाहिए, पर उसके माँ बाप ने अपना सब कुछ अपनी इच्छा विचार को छोड़कर उसकी क्या रखनी चाहिए, इच्छा महत्वाकांक्षाओं का उसका मान रखा। वो चाहते थे जैसे तैसे हम अपनी रज्जो के लिए क्या लेके आए, गबरूर की ओढ़नी उसको दिलवा दें। ठीक है, तो ये हमारी कहानी खत्म होती है। तो जितना भी मैंने आपको होमवर्क दिया था, वैसे तो आपको बुक वर्क कंप्लीट हो गया, ये मैंने आपको दे ही दिया था, और ये वाला क्वेश्चन आपको 7 और 8 और 9 ये आपको अपने बुक में ही करना है। ये विलोम शब्द है, निम्नलिखित शब्दों से वाक्य बनाए, इसका यूज़, ये जो जैसे रोजगार है, मेला है, रोटी है, गुड़ है, इसका प्रयोग करके आपको क्या बनाना है, वाक्य बनाना है। निम्नलिखित शब्दों से भाववाचक संज्ञा बनाए, इसे क्या बनाना है, भाववाचक संज्ञा आपको बनानी है। तो आज का 3 क्वेश्चन है, आपको अपनी बुक में ही करने हैं। ये हमारी कहानी खत्म होती है, नए नेक्स्ट नए चैप्टर के साथ, नए पार्ट के साथ हम आपको नई क्लास में मिलेंगे, जो हमारी क्लास होगी न्यू चैप्टर के साथ। ठीक है बच्चों, तो आज की क्लास यहीं ख़त्म होती है।